अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है मैं हाँ मुहम्मद शहजाद यूट्यूब चैनल वेला मुंडा आया कड़ा हमाम दोते क्योंकि मेरे वाल दे पे काफी बड़े बड़े थे पूरे पूरे लगते वदन मुर्शे टाइम है बबलू टाइम कह नहीं हमाम वाले जेड़े छुअर दे कोलो मैं कटिंग करवांदा होना ओ गया वदे साइड ते जितनी देर च ओ आंदे आ सारी कार दा ना एक परला टायर थी वदे पंचर अस सुबह सुबह दी हवा भरी से तबला ओ कुछ शहर गन कह ते चक्कर वा गिंदे के पंचर क्यों थिया खड़े मैं को लगदा इन दे विच ना किल लगा खड़ा होस ना त अक्सर पंचर कोनी थिंदा ओ सामने खड़ी पंचर वाली दुकान गर्मी है ना गर्मी ते टायर होंदा नरम और हल्का फुल्का किल जो लगे त टायर पंचर थिए वंदा खास तौर ते अल्टो दा टायर सिविक जेड़ा ना होंदा टायर थोड़ा हार्ड है ओ नहीं इतनी जल्दी पंचर थिंदे उस्ता जी मेरी गड्डी आ गई यारिंदा ना पिछला टायर चेक कर ली सवेरे सवेरे हवा आई तो खत्म थी खड़ी सिर्फ 10 पाउंड है खुद भर के 20 पाउंड और उस्ताद दुदु चेकिंग करेंदा पे टायर दी और जितनी देर उस्ताद टायर चेक करेंदा भी पंचर है या कोना उतनी देर तुसा चैनल को सब्सक्राइब करो तो शुरू करने आज मजेदार वीडियो उस्ताद ने चुटकियां दे विच टायर खोल गिदा और तुसा पता ने चुटकियां सब्सक्राइब कीता नहीं कीता हेलो सर जी क्या मसला है के लगा खड़े क्या थिया खड़े हां जी के लगे के लगे अगर व्यूअर रेगुलर व्यूअर है तो पता हो सी मेरी इस कार दा तकरीबन 8 तो 10 बारी टायर पंचर थी है और हर बारी किल लगदा है और पंचर थींदा है अदरवाइज कई बे मसले वजह तो आज तक इना टायर पंचर नहीं थिया हालांकि ऐसा सिवे की चलाई बदराने लेकिन जेडे रोड ते ही कुछ लाने रोड ते सिवे कोनी वेंदी किथे किल ए सामने व्यूअर किल खड़े वे थिया बड़े जालिम जहात लगा लेके आले जहात लगा खड़े व्यूअर ए छोटे जा किल ली वे एने सारी गड्डी को पंचर कीता वे हे निका जिया लेकिन काम मैंने बड़ा सारा कर देता है सारे टायर को पंचर लावण के बाद उस्ताद ने फिट कर देता है और सामने हमाम मेरा खोल चुके क्योंकि लड़का गया काम वो भी वापस आ चुके थे आप हम कटिंग शटिंग करने और धूप इतनी तेज है सूरज सामने सिर के ऊपर सड़ेंदा वेंदा और इतनी तपश है ना अल्लाह पाक माफ करे आज साडे कोल 41 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर है पिया और थारे कोल कितना टेंपरेचर है दसाए कमेंट दे विच अस्सलाम वालेकुम तेरी पारो जड़ा ना अस छछर बन देवे ना ईद सिर ते आगे मैं कटिंग कराऊं उस्ताद जी एंजे कटिंग कर जो ईद वाली कटिंग ना करावणी पवे एक एक कटिंग दे सारे काम थी वे सोने सोने कटिंग करे बबलू बना ले बबलू बच्चा पूछन लोग मेरे कोल करवाई कादे कोले भी वेलकम बैक व्यूअर बिरात वाले ने कटिंग शटिंग करा गई थी दसाओ लुक कैसी नजर आती पहले वाली सही नजर आती पी या कटिंग करा के बाद वाली लुक नजर आती पी सही मैं लगता है पहले मेरा सिर भारी भारी लगता पे क्योंकि वाल बड़े बड़े लग जाने हूँ कोई सिर नॉर्मल थी गए एसी ऑन करो ये चो गर्मी खाती है घर पहुंचा मैं घर और हाल थोड़े बिरा रहे नाश्ता करना है क्योंकि सुबह उठता तो मैं शहर लगा गया हमें अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर खाना खा दमी भूख इतनी शदीद है कि मैं था को सीन बना के कौन दिखाया चुप करके रोटी तक खा दमी और हूँ पखा चलायामी टाइम थी पे 3:58 मैं हाल लाजा समझा क्योंकि मेरे को आती वजी नींद मैं रात लेट सुता हमी मुल्तान से तो पता है नींद पूरी कोई नहीं एक घंटा साम गए घंटा सामने के बाद थोड़े सामने आसू और बाद व्लॉग बने व्लॉग कंप्लीट कर सू धावन के बाद थोड़े थोड़ी दिमाग ही हल्या खड़ा नींद जी करो नींद करने के बाद थोड़े सामने आना वेलकम बैक व्यूअर टाइम थी पे 7:31 मेरे को तो लगता है कि घंटा समझ लेकिन अख जो लेट खुली है तो 7:30 का टाइम देना पे बारो सूरज जी शायद तो गरूब थी चुके और पीली पीली रोशनी आती पी और डाले हम दौला खोता सड़े सुमन के बाद उठन का इस्तकबाल करना पे इन जवान चाटी खड़े डीएपी खाद सारी घास देना पे जैसे पे कितों कितों घास है पीला पीला और वाइट वाइट थिया पे तो इन नशो नुमाए थोड़ी कमी आती पी तो जो डीएपी खाद देने पे ताकि इनकी सेहत मजीद अच्छी थी वही पूरी मुठ भर के ना सारे खिंडा के चंगी तरह पूरे सारी दे चांदी वने घाटी घाटी ना दे घाटी घाटी खाद उसी ना वाली सड़ वैसे थोड़ी थोड़ी होगी वेलकम बैक यूर गुड मॉर्निंग सुबह सुबह उठे हैं और बाहर हूँ दरवाजा खटकता खड़े बाहर आए खड़े डॉक्टर साहब क्यों आए खड़े अस्सलाम वालेकुम दरवाजा खटखट है मोबाइल चाहते मैं अपने खरिया तो मिजाज से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आप कमजोर थी मैंने डंगर तंदुरुस्त तन पे बेजुबान की खिदमत पे कराने हां जी रास जिंदा रास या सारी गाय वे आज तक कुछ फिलहाल बेहतर है बिना तो पहले तो बहुत ज्यादा बीमार आई मुंह जो झग ते बुखार ते कल दिन की हालत बहुत ज्यादा खराब आई कल मैं आप बीमार आ मैं इस वजह तू कहीं डॉक्टर साहब ने संग गया कल साढ़े आसम के गुजारी है मैं टेंपरेचर नोट करने हां टेंपरेचर नोट करो तो सा टेंपरेचर नोट करने के बाद को दवाई शवाई दियो अरबाब खान तू आप पकड़ मैं तो आप ही ना करना डरदा मैं कहीं तक नेड़े कदे नहीं आया
गां दे ट्रीटमेंट थिंदी पिए टेंपरेचर नोट थिना पई बुखार कितना आए पिया टेंपरेचर कितना आए पिया 105 105 तो नॉर्मल कितना होंदा 102 होंदा नॉर्मल मतलब त्रय टप्पी खड़ी है मर्दी कितने ते होंदी टेंशन कौन टेंशन कौन ते मर्दी कितने ते होंदी अल्लाह माफ करे ना मर्दी ए ना मर्दी अल्लाह अल्लाह लंबे उम्र दे जुबान दी खिदमत ओ ओ तो जुबान कड्डी आंदी हैवी टेंपरेचर होंदा जिथा मतलब है उंदी डेथ ही होंदी ओ कितना होंदा नॉर्मल 106 तू जले टप्पे ज्यादा त्रय दीवारा टेंपरेचर रावे बात मसला ज्यादा बनन पे 106 ते जी हां जी 106 ओ भी एक दीवार नाल दो दीवार नाल कशे नहीं थीना त्रय दीवारा चार दीवारा थीवे अच्छा बात मसला टेंपरेचर हाई थी वने निठे गर्मी दा जानवर जिथ के यो मसला है भाई मुंह है तो पानी बुखार टेंपरेचर गर्मी है इंसान खुद परेशान है जानवर मैं यहां मरदा मैं कोई एक टीका मैं कोई ले सारा कलर माशाल्लाह ठीक है सारा कलर ही ठीक है नहीं तो डॉक्टर बाण कसाई ना बाण तो डॉक्टर साहब ने त्रय टीके लेन और बड़े हैवी किस्म के टीके हैं तो गांद निकल बकाट गए तो हूं मैं बिलाने बैठक है चोना की खातर तो वादा करें जिलो मैं बैठक खुले ना बिस्मिल्लाह आओ डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी सही टाइम लेता है अल्लाह बहुत शुक्र अल्लाह खुश मला आसो ना कल चक्कर कल चक्कर लाया कि ना गाग दे कि ना दसा मेहरबान शुक्रिया भाई जान मेहरबान ए मामा बोतल पी मैं आदा बोतल पी डॉक्टर साहब चले गए अपने घर और मैं फ्रेश फ्रूश ठीक है साफ सुथरा है ठीक है तेरे सामने आना क्योंकि कल दे कपड़े पाती वाला वेलकम बैक यूर नहा धो के तेरे सामने आ चुका और जेठे मेरे गांव तो वीडियो देते पे व्यूवर ये जिन्हें जेठे माल डंगर रखी पे तो उन्होंने को गुजारिश है कि आजकल गर्मी का टेंपरेचर बहुत ज्यादा है पिया सारी जी गां बीमार है वो गर्मी की वजह तो बीमार है वैसे तो जिम्मेदार लोग या जो जानवर रखते हुए तो मेरे को ज्यादा समझदार ही वे लेकिन है कि मैं को जी गाल समझ चाहिए मैं तो दसावा कि अपने माल को ठंडी जगह पर रखो और उन्होंने कोशिश करो नाल टाइम द टाइम दिवार त्रे तो चार बारी दवाओ ताकि गर्मी न थी अगर गर्मी थी तो वाले ये सारी गां की हालत होती असा को अपनी निम्न तले बदी बैठे और बेचारी अजन भी हुलकती बैठी खड़ो करीब तरीके देखो बैठे कितनी जोर जोर सांस गिंदी पे हाले कि इंजेक्शन लगे ना हाले कोई सुकून है चे पे अदरवाइज पहले ही तबीयत ज्यादा खराब है पे नाश्ता करें तो ताओ साथ बिस्मिल्लाह तंदूर दी चोपड़ी रोटी इदु सब्जी खीरे ते टमाटर दा सलाद खांदे ताओ साथ बिस्मिल्लाह इकट्ठे खाने नहीं तो कल्ले कल्ले आप ही खाने पे तो सब बाबा मीरा ले खाने खासो ए तन गरीब हो व्यूअर जेडे तुसा मेरे रेगुलर व्यूअर ही वेथो को पता हो सी ब्या के मेरा तकरीबन कोई 10-15 दिन तो इंटरनेट दा मसला बड़ा पे मेरा बूस्टर जेड़ा ना वो खराब है पिया और सारी जेड़ी वीडियो अपलोडेंगे पे और सा को शहर वणना पोंदे या उस जगह ते वणना पोंदे जिथे इंटरनेट दी स्पीड ज्यादा होवे ते घर दे विच इंटरनेट नहीं चलदा पिया मैं वाले कंपनी नाल राबता कीता आई कंपनी दा नाम है पिया जे नेट ओ वाला ना मतलब शहर तो दूर नेट प्रोवाइड करेंदी है उथा कोई अपना बूस्टर टाइप दी चीज लेंदी है कोई डिश लेंदी है उथा वाला नेट प्रोवाइड करेंदे ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੈਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਨੈਟ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੌਕ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਨੇ ਮਿਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਪੀਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵਾਲ ਜਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਨੈਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਂ ਵੈਂਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਦਿਆ ਕਿ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਸਾਨੂੰ 5-6 MB ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਪੀਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਥੇ ਜੁਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਥਲੀ ਔਰ ਸਪੀਡ ਕਿ ਇਤਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਦੇ ਪਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਥੀ ਵਾਲਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਬਲਕਿ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜਾ ਹੁਣ ਰਵਾਨਾ ਥੈ ਵੈਨੇ ਬਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਉਨ ਨਾ ਨੈਟ ਲਾ ਦੇ ਨਾ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚੇ ਖੜੇ ਇਥੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਪਾਕੇ ਡਿਸਕਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਏ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਸ ਔਰ ਗਰਮੀ شدید ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਈਸ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ ਵੀਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਵਰ ਲਗਾ ਖੜਾ ਦੂਜਾ ਟਾਵਰ ਉਹ ਲਗਾ ਖੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਪੀਡ ਡੈਮਨ ਲੇਕਿਨ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਲ ਜੁਲਦਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਰਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ شدید ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਘਟ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਘਟ ਚੱਲਦੀ ਜਲੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਸੋਂ ਵਲ ਏਸੀ ਚਲਸੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੁਹਾਂ ਚਲਸਨ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਪੀਡ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਮਿਲ ਵੈਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਜਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਸਾਇਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੀਟਰ ਸ਼ਾਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਕਮ ਅਸ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਸੀ 33-34 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 33-34 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਤਨਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਇਤਨਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਦਾ
इतना बिल इंटरनेट दा सी मैं कितने ते मैं गड्डी लीज ते कढा कि ना कोई कार तो साल बाद मेरी गड्डी बनवे सी तो मतलब इतना हैवी रेट उन्हें के भाई जन असा दूर तो इतना ही रेट ते दे सकते हैं अदरवाइज सारे को भी कोई ऑप्शन कोई नहीं। चलो मैं ठीक है हूँ भला मेरे को बे दोस्त ने मशवरा दिता कि फाइबर नैट वाले भी हैं पैना साढ़े शहर के उन्होंने रबता कर रहे हैं उन्होंने पुछते हैं शायद वो सबको मुनासिब रेट के उत्ते मुनासिब स्पीड दे देवन अगर वो ऑप्शन साढ़े वास्ते अच्छा थी तो थोड़ा मैं शेयर करे सा फिलहाल जुलते पैसा गला मंडी के उत्तर जी गला मंडी के सदर साहब हैं उन्होंने हुक्म थे कि आओ तो मेरे मेरी गाल सुन मनो कोई मेरे मेहमान है वन उन्होंने मिलो वो इन पे मेरे व्यू उन्होंने शहजाद थोड़ी गला मंडी काम करें मेरे सदर साहब को आखिने उन्होंने जिया जिया काम करें तो आखिर साथ साथ उनके फैन है तो सबको मिलवाओ तो उन्होंने मेरे को कॉल की है तो मैं शहर में जिम्मे कि आया थको मिल गिंदा मैं सिताबेदार असा अपनी गला मंडी के पहुंच चुके हैं और सामने वे वे ट्रक लोड थे खड़े पता नहीं गंदा में या सूरजमुखी है लोड थे इतने कि मिलों के पेंदे पे और ये सामने पे सारी मंडी के सदर का ऑफिस इतना उतना नहीं कोई हुक्म सुन दे माशाला जिम्मे कि मैं दसा पाया सारे चौधरी साहब माशाला इन्होंने हुक्म थे तो इन्होंने को पहुंचे हैं माशाला चल सब ठीक हो लेट तो नहीं थाया सा ना थोड़े हुक्म दा टाइम ते पहुंचियो सर ताबेदार ताबेदार सर आप भी मेहरबानी सर अल्लाह पाकिस्तान देवे थाको ते इन्ना दे मेहमान इन पे माशाल्लाह एक भाई ए हन पे दूजे ए ते त्रीजा किडे के त्रीजा भाई सामने बैठे अच्छा त्रीजा ओ ए पिया माशाल्लाह इन्ना ना मुलाकात थई हासलपुर तो आए वदन और साडे बहुत प्यारे व्यूअर भी हन पे थैंक यू सर आज तोडे बहुत बड़े फैन आ हासलपुर तो 300 किलोमीटर सफर करके आया अल्लाह पाकिस्तान देवे सदा जिला मुंडे ने मिले बड़ी बड़ी तारीफ खुशी होई माशाल्लाह बड़ी तानू री सी मिलन दी बड़े अस्से तो तानू मिलन दी री सी अल्लाह पाकिस्तान देवे बहुत सब थैंक बाकी व्यूअर दिलो थैंक यू सर बाकी व्यूअर सदात भाई बहुत अच्छे बंदे ने माशाल्लाह लोग आवे कितने के मिलदे नहीं माशाल्लाह अच्छे बंदे ने भाई अपने मेहमान की इज्जत करदे ने अल्लाह पाकिस्तान देवे रहण वाले ने माशाल्लाह राशी ने ते कोई मसला नहीं बहुत अच्छे इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह जी असी आए हैं कोई पैसा नहीं कोई साहब ने साडी बड़ी इज्जत की थी इन्हां दा लाख लाख शुक्रिया सानू सलाल भाई दा मदद करदा सर भाई शुक्रिया शुक्रिया जी बड़ा बड़ा मेहरबानी थैंक यू साहब जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया चौधरी साहब अल्लाह पाक थाने इस तरह और हुक्म होवे साडे वास्ते असी आप जरूर हुक्म करेंगे शहजाद भाई तुहानू कहना ते किन्नो हुक्म करा कोई साडे भाई हो ठीक है बहुत शुक्रिया ठीक है जी शहजाद भाई बहुत बहुत मेहरबानी अल्लाह पाक थाने दे सारे सलाम ते गए सारे और चाचा जी अपने मंडी के सदर साहब को मिल के उन्होंने हुक्म की तामील करके मंडी तो असें जिम्मे कि आए वे वाल अपनी आड़त उत्ते चक्कर लिया मैंने अपने मुंशी साहब के कोई हिसाब किताब की है मैंने क्योंकि काफ़ी दबारा तो मानो हिसाब किताब कोई नहीं किया हाल ले मतलब गर्मी का इतनी शदीद गर्मी है व्यूअर बंदा बाहरों निकले सही यकीन अल्लाह याद आता भाई अल्लाह तो वैसे भी हर टाइम याद आने लेकिन एक पसीना पसीने नहीं होता कि बस तबीयत बन जाती है बंदे की। अस्सलाम वालेकुम मुर्शिद पीर साहब क्या हाल है तो अर की वे तो साए गरीब खाने सारे तय बैठे सहरी मुनासिटे वे गर्मी खांदी है व्यूअर मुंशी साहब अपने घर वेंदे पेन और असा भी दुकान शुकान बंद कर छोड़िए और असा हुन जिंदे पेन शहर मंडी दा जड़ा हिसाब किताब ही टोटली थी चुके एक गंदम तो सा रखिए जी असा एक गंदम सारी दुकान ते पे व्यूअर और ये सेल थी सी और इन दे कमीशन जो साडा खर्च मंडी एच काफी दिवारा तो बाद है और सामने खड़े थे कांटा मेरा मेरा अंदाजा है पे कि मेरा वजन जड़ा ना 66 किलो सी त मैं इंदे ते तुलेंदा पे और लेदा मेरा वजन तकरीबन मेरे नजर ने दाड़ी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जुत्ती लहा के चढ़ आओ जी 66 किलो वजन मेरे को लगदा है मेरा उसी पिया 50 वाला चा ए 50 वाला हां ए 20 वाला ए 50 वाला ए 50 वाला डीच गया हूँ लीच पे सीधा हाल 66 किलो मेरे को अंदाजा आया पे मेरा उसे हल 50-60 तो ये 65 किलो वजन नहीं पे मेरा पहले मेरा वजन आवे 67 किलो तकरीबन मैं 15 दिन बाद ठीक है वाक स्टार्ट की थी वाक स्टार्ट करने नाल मेरा 2 किलो वजन घट गए किलो मेरे को तो घटे पे यानी कि तेरा 2 किलो यानी कि तू तो मैं कुंटा पा गए वो 60 किलो है मैं 60 किलो थी तू लकड़ी दी मोठे है भाई मैं व्यूअर मेरा वजन ना 2 किलो सिर्फ वाक दी वजह तो घटा है वाक दे इतने फायदे ही आगे मेरी डिड्डी वाद दई है हूं डिड्डी भी पीछे थी गई तो सही बात की करो वजन घटाया करो और चलो ओ छोड़ो वजन वाली गाल को इको फोन की तास अबे तुसा जड़ा ना रक्षा छिकियो और रक्षे दोते ए पैप लडियो ए पैप पता घर केस किते गए पेन थको याद उसे जड़े सारे घर दा सॉरी सारे घर दे विच कार दा जड़ा शेड बनदा रही आई वो शेड वास्ते असें ये पैप गिन के गया से लेकिन ये पैप वध गया एक्स्ट्रा बच गया तो ये मैं कि पैप चाहती हो ये वापस करें इंदा खर्चा पानी बने ने वो सामने ए दू त्रै पैप पैन था ये भी वापस करके हाँ गरीब बंदे ए वाला वेच के अपनी जेब का खर्च बने अपनी गड्डी का पेट्रोल बने ने तो दे दें वापस करके कि जे पैप सारे चाहती वे कितने दे वापस देने कितना खर्चा बन दे एडू मेरा हमसाया चौधरी जफर साडा प्यारा चाचू लोग खा गए लोग की आंदे ने ओ मेनू रात दे 12 बजे टेलीफोन वेले मुंडे दा मैं कह वेले मुंडे नु की आखा वेले मुंडे दा की आंदे नंबर दियो आ नंबर दे सन तुहाडे कोल है नंबर मेरा
ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਛੱਜਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਅਸਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹ ਪਲਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਲਾਨ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੁਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਚਾਹ ਓ ਜੀ ਆ ਚਾਚਾ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੁਣ ਚਾਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਸਮੇ ਸ਼ਰਬਤ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਭਈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛੋ ਆਓ ਪਏ ਇਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾੜੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦਿੱਤਵਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾ ਨਹੀਂ ਬਲਾ ਨਾ ਸੈਸ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਸੱਚ ਸੋ ਸਹੀ ਦੁਸਾਂ ਸਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਉ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗ ਸੜੂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪਤਾ ਪਿਉ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬੰਦੋ ਸਕਦੇ सामने वाली दुकान ते पहुंचे इथाऊ असाए पाइप गिन के गया से तिने है वापस करे ने अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाईजान क्या हाल है ठीक है बखरियत है अच्छा दसे पाइप गिन गया से गए बच वापस करना है वदे थी वैसी वापस मुकम्मल लंत है मुकम्मल मुकम्मल ओ जवान सादे वाली नाली को चा के तुलेंदा पे बैंदा वजन कितना है जले वजन पता लग सी वाले दो बनासन बिल वाला बिल दे बटन पैसे हां व्यूअर ए साडे बने ने पैसे ए 100 ए 200 ते 1000 ਸਿਰਫ 1200 ਰੁਪਿਆ ਜਲੇ ਵੇਚੀ ਆਵੇ ਉਮਲੇ ਕਿਆ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਵੇ ਉਹ ਗੱਡਿਆ ਖੜਾ ਨਾ ਪਾ ਨਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰ ਲੋਹਾ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਦਸਾਏ 1200 ਇਹ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਈ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 100 ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵੱਡੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਨਾ ਪਾਇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਚੁਕੇ ਵਾਪਸ ਲੇਕਿਨ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹਨ ਪੇ ਤਰਾਏ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹ 1 2 3 4 ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਾੜੀਆ ਹੈ ਪਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਬਾੜੀਆ ਕੋ ਵੀ ਚੇਨੇ ਦੇਦੇ ਇਹ 4 ਲੈਂਥਾਂ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਇਹ 1 2 3 4 ਉਸਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਸੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੇਨ ਵਤ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ 4.5 ਕਿਲੋ ਯਾਰ 4.5 ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ 4.5 ਪੂਰਾ ਥਿਆ ਖੜਾ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨ ਕਿਆ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿਲੋ ਦਾ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਾ ਕਰ 4.5 ਜ਼ਰਬੇ 150 675 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਅੱਜ ਵਿਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈ ਵੰਦਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ 650 ਰੁਪਏ 670 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵੀਰ ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਔਰ YouTube ਚੈਨਲ ਵੇਲਾ ਮੁੰਡਾ ਪਰ ਬਾਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸੇ ਮਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਅੱਲਾ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋਤੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਾ ਕਰ ਦੁਆ ਕੀ ਕਰੋ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਏ ਖਣੇ ਵੀਰ ਬਾਜਵਾ ਸਟੀਲ ਬਿਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਇੱਥਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੇਵਣਾ ਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਤੋ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਸੇ ਤੋ ਅੱਬ ਦੇਵਣਾ ਹੈ ਖੜਿਆ ਸੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਲੇਟ ਥੀ ਗਏ ਬਕਾਇਆ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਣਾ ਸੇ ਰਹਿਆ ਸਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਚ ਗਏ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੰਗੇ ਲੇਟ ਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ 1200 ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਲੇਟ ਦੀ ਵਲਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਸੇ ਵੀਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹਨ ਉਹ ਦੇਵਣੇ ਹਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਨੇਮ ਕਰ ਸੰਗਿਆ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਥਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਵਣੇ 1000 1200 ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 1000 1200 ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਦਿਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸੂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਸੂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉਧਾਰ ਵਾਲੇ ਜਲਦੀ 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 ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਫਰੀ ਠੀਕ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਖੀ ਲਾਲ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਚਾਤੀ ਵਜੋਂ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਖਰੀਅਤ ਜਿਦਾ ਠੀਕ ਅਸਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਵਾ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਕੋਨਾ ਤੇ ਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਸਰੂਫ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜ਼ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੈਡੀ ਥੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਛੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਗੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੋ ਬਣਵਾ ਕੇ ਘਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਭਈ ਉਹ ਘਟ ਕਰਵਾਈ ਸਦੂ ਚਾਹੀਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਪਹਿਨਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਕਰਵਾਈ ਸੇ ਚੁੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੱਪਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਈ ਪਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੁਰ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਟੱਪਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋ ਖਰਚਾ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਇਹ ਤੇ ਮੋਠ ਕੋਨੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੋਠੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੇ ਗੇਣੀ ਮੈਂ ਖਚਕਾ ਕੇ ਬਲਾ ਸੱਟਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਨ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਵੈਦਾ ਪਏ ਔਰ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬੱਦਲ ਕਿਤਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਥੈਗਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਆਈ ਔਰ ਹੁਣ ਬੱਦਲ ਬਣਿਆ ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਣੇ ਕਿਰਾਣਾ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿੰਦੇ ਆ ਸੌਦਾ ਸਲਫ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸੌਦਾ ਸਲਫ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿੰਨਣਾ ਦੋ ਸਨਸਲਿਕ 1 ਕਿਲੋ ਵਾਈਟਲ 1 ਬੰਡਲ ਕਾਪਰੀ ਨਾਨੇ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ 4 ਪੈਕਟ ਬੋਨਸ ਕੇ ਸੋਸੋ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਲੀਨਰ 3 ਪੈਕਟ ਕੋਲੂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ 1 ਜਨਾਬ ਲੈਮਨ ਮੈਕਸ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਇਹ ਪੈਕਟ ਰਸ ਦਾ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ
दो डब्बे टिशू दे, टूथपेस्ट वाला ब्रश चाहिए, इतना ज्यादा नरम हो इतना ज्यादा हार्ड हो। ठीक है, ये सारा बिल बनता पे 5500 घट ठीक है 4668 रुपए टोटल। हाले बिल बनता मजीद ऐड से अरे बिल कट 217 रुपए सारा बिल है। ये रहा हमारा इतना लंबा बिल, शर्म तो नहीं आती इतना लंबा बिल देते हुए। ये हमारा टोटल बिल बना है हमारा जनाब 5500 रुपए। ये सारी डिटेल के साथ चीज़ें लिखी हुई हैं टोटल। हाले बच घ्यू कह नहीं सकता गुड न्यूज ए है कि थोको याद हो सी अगर तुसा मेरे रेगुलर व्यूअर वे आज तू 3-4 महीने पहले ये सामने वाला प्लाट असा खरीद किया से ना, आज तू कुछ 4-5 महीने पहले मैं उदी वीडियो भी बनाई है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह असा ये प्लाट बेच चुके हैं, मतलब एक सेल कर दिता से। तो जब सेल किया से उन्होंने अपने इटा मंगाए वो इतना अपना घर बना दे पेन ना, ये सामने ये दीवार है पी, इस दीवार तो अगर जरा भी प्लाट स्टार्ट होना पे, लेकिन सारे वाला प्लाट ए वाला ही पिया। तो असा सेल किया से, इन्हें कितने का सेल किया से, कितने का खरीद किया से, उतों को बाद दसने असं। ये माशाल्लाह भाई जान पे असा जो प्लाट है अपना इन्ना को सेल किया से। तुसा घर बना दे पे अपना कितने कमरे बना दे पे? चार दीवारी दो कमरे थे, मतलब पूरा अपना घर का सेटअप बना दे पे। अच्छा अच्छा चलो माशाल्लाह माशाल्लाह पाक नसीब करे। मैं क्या मैं अपने व्यूअर्स को अपडेट देगी ना, बहुत शुक्रिया। तो ये पता है पे कि मैं काफ़ी सारे प्लाट वगैरह इन्वेस्ट की राना, मतलब प्रॉपर्टी का काम करेंदा राना, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम मेरे को अच्छा लगता, उन्हें इन्वेस्ट करना उन्हें ठीक ठाक रोजी बच पैंती है। हूँ मैं थोड़ा फिगर पॉइंट नोट कहना करे कि असा कितने का गिदा आई कितने का बेचा से। हाँ अगर रेगुलर मेरे व्यूअर ही हुए तो थोड़ा पता हो सी कि असा खरीद कितने का किया आई, ठीक हो गया, क्योंकि उन्हें मैं दसाया कि असा इतने का खरीद किया है, लेकिन जितने का सेल किया से वो मैं थोड़ा पॉइंट दस सा। हाँ लेकिन इतना दसा देना कि असा जितने का खरीद किया से उस तो बाद 4-5 महीने के बाद जितने का बेचे से उन्हें जो अलहमदुल्ला सबको ठीक ठाक रोजी बच गई एक प्लाट के बचों। तो मजीद तुम दुआ की करो कि अल्लाह पाक थोड़े भिरा को मजीद इवें तरक्या भी देता रहे, क्योंकि मैं मेहनत करेंदा रहना, हार्ड वर्क करेंदा रहना और प्रॉपर्टी के काम के इन्वेस्ट करेंदा रहना। तो अलहमदुल्ला प्रॉपर्टी के काम भी मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता पे, सिर्फ थोड़ा दुआवें पे। आवड़े ठीक है बस। जैको असा प्लाट सेल किया से उन्होंने पेमेंट घेन की से और प्लाट उन्होंने नाम भी करवा दिते से। ये साढ़े वास्ते अज की गुड न्यूज आवे पाई, क्योंकि जो प्रॉपर्टी के काम होंगे ना ये डेली ना ही सेल थी और ना ही डेली परचेज थी, क्योंकि असा फुल टाइम क्यों नहीं सजेंगे, पार्ट टाइम जो मेरे को टाइम होंगे वह मैं इन इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी के बिजनेस है। अदरवाइज तो पता मैं आड़ा तले काम के या सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के काम के टाइम ज्यादा स्पेंड करें। इं खुशी के इं गुड न्यूज के अड्डो करें पाए तीन एंड तुम्हें तो सारे अच्छी अच्छी लगी हो सके, सारे अच्छी अच्छी लगी है सारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं चला नए वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।